गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलजेब्रा में हम लोग स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं एलजेब्रा में हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होते हैं उस पर हम लोग कुछ मैथ को प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कहाँ उपयोग होता है और इस तरह के मैथ को कैसे बनाया जाता है। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देख लेते हैं ये मैथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीन सवाल दिया गया है जो कि एक ही फॉर्मूला पर आधारित है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है। तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होते हैं इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला को समझना होगा। बहुत स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से ये सभी मैथ को आप लोगों को हल करना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को हल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि सवाल है 2x plus y का होल स्क्वायर। तो ये सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको जानना है a कौन है और b कौन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको हमेशा गलती होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a कौन है और b कौन है वो देख लेना है। ये हम लोगों का a है और ये हम लोगों का b है। अक्सर विद्यार्थी यहाँ 2 लगाने की जगह में कुछ और दूसरा तीसरा लगा देते हैं। हम लोगों को यहाँ पर 2 ही मेंटेन करना है, 2 को ही लिखना है क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पहले a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखना है। a कौन है, a हो गया 2x, तो आपको वही चीज लिखना है a का जो वैल्यू है। b कौन है, b हो गया y, तो आपको यहाँ पर y लिखना है ना कि कोई दूसरा तीसरा चीज लिखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो आपको यहाँ पर प्लस देना है। फिर आपको यहाँ पर b स्क्वायर है, तो b कौन है भाई, y है, तो आपको यहाँ पर y लिखना है देन स्क्वायर देना है। ये आपको करना है। अब आपको क्या करना है, 2x का स्क्वायर कितना होता है, तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल, तो हम लोग के x जो हो गया वो वेरिएबल हो गया, 4 हो गया कांस्टेंट, तो वेरिएबल के साथ आपको स्क्वायर लगाना है, ये आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट आपको 2 जब 4, यहां पर 4 लिखा है, x और y को गुणा करेंगे तो एक्स वाई, यहां पर प्लस लगाएंगे और यहां पर y का स्क्वायर दे देंगे। y क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर आपको क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है, यह आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जैसे कि 3m plus 2p का होल स्क्वायर। तो आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3m plus 2p का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर a कौन है, पहले ये आपको जानना होगा, a हो गया हम लोग के पास 3m और b कौन है, b हो गया आपके पास 2p, ये आपको चीज ध्यान में रखना है। बस ये आपको ध्यान में आ गया तो मतलब आपका सवाल 50% बन गया। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर लगाना है, तो 3m का स्क्वायर लगा देंगे। जहां a लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3m लिखेंगे, जो यहां पर a है, प्लस अब क्या लिखना है, 2 लिखना है क्योंकि यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, a लिखना है, a कौन है, 3m है, तो आप 3m लिखिए। b लिखना है, b कौन है, 2p है, तो आप यहां पर 2p लिख दीजिए। प्लस लगाइए, यहां पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए, देन b स्क्वायर, b कौन है, 2p है, तो 2p का स्क्वायर लगाना है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग निकालना है, यानी 3 तिया कितना हो जाएंगे, 9। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं 3 दुगने 6 होता है, नहीं, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 गुना 3 यानी 9 होता है। इसको दो बार पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ये पावर है, घात है,
ठीक है, तो 9m स्क्वायर आपको यहां पर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल, तो आपको वेरिएबल के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। नेक्स्ट आपको प्लस लगाना है, इसको गुणा करना है, 2 3 6 m, सॉरी यहां पर 2 3 6 6 2 12 हो जाएंगे, m और p बैठा देंगे, प्लस 2p का स्क्वायर, 2 2 कितना हो जाएंगे 4, और p क्या है वेरिएबल है, इसके लिए p का स्क्वायर लगाएंगे, ये आपका तैयार हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं, इसमें देखिए इस सवाल को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देखिए 103 है, 103 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है, तो 103 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, याद रखना है आपको जब भी 100 से कोई संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो इसको आपको 100 से प्लस करना है, यानी 100 से हम लोग कितना प्लस करेंगे जो 103 होंगे, तो 100 के साथ 3 प्लस करेंगे तो यहां पर 103 होंगे, और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 100 प्लस 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, फिर ये हो गया a और ये क्या हो गया b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a कौन हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है एकदम एज इट इज आपको यहां पर लगाना है, तो पहले 2 लिख देंगे, a कौन है 100 है, b कौन है भाई 3 है, प्लस b स्क्वायर, b कौन है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक आप कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 100 कितना जीरो है 2 जीरो है, आप यहां पर गुना नहीं करने जाइए ऐसे करके, आप सिंपल सा इसको लिखिए, 1 लिखिए और क्या गो जीरो है गिन लीजिए, 2 और 2 4 गो, तो यहां पर आपको क्या लिखना है 4 गो 0 लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। अब यहां पर स्क्वायर नहीं देना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पर स्क्वायर दे देते हैं, यहां स्क्वायर आपको नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये पहले मैंने बताया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट में स्क्वायर नहीं लगते हैं। प्लस 2ab, 3 2 6 हो गया, 600 600 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 3 3 9, अब सिंपल आपको क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएंगे 10,600 और 9, 10,609, बस आपको इसको लिख देना है 10,609, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को इन सवालों को हल करना है। चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल मैं दे जाता हूं, 105 का स्क्वायर, और आप लोग निकाल करके दिखाइएगा 106 का स्क्वायर, दो सवाल बना के मेरा आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।